मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। पहले 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में कथित इसराइली हमले में ईरानी दूतावास जमींदोज हो गया था, जिसमें ईरान के 7 बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए थे, जिसके बाद ईरान ने इसराइल से इस हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। और 13 अप्रैल 2024 यानी पूरे 12 दिन बाद ईरान ने एकाएक इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग दी थी। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन की मदद से इसराइल ने ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान को काफी कम करने की कोशिश की और उसने दावा किया कि ईरान के 99% हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके उन्हें नाकाम कर दिया गया। इतिहास में पहली बार इसराइल पर हमला करके ईरान ने ये तो बता दिया कि उसके सैन्य जखीरे में वो सारे हथियार हैं जो इसराइल तक पहुंच भी सकते हैं और तबाही भी मचा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठता है कि जैसे ईरानी हमलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल के पास एक सुरक्षा कवच यानी कि आयरन डोम है, तो इसी तरह अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उन हमलों को नाकाम करने के लिए ईरान के तरकश में वो कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आपको बता दें कि ईरान के पास दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए 5 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से ईरानी एयरफोर्स के पास खुर्दाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे ईरान ने 9 जून 2019 को पूरी दुनिया के सामने पेश किया था। ये जमीन से हवा में वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी डिटेक्शन रेंज 120 किलोमीटर तक है। ये एक बार में 6 टारगेट्स पर हमला कर सकता है और ये एयर डिफेंस सैयद 3 मिसाइलें फायर करता है। इसके बाद बारी आती है टैक्टिकल सैयद एयर डिफेंस सिस्टम की। ये मध्यम ऊंचाई के लिए बनाया गया है। इसकी डिटेक्शन रेंज 180 किलोमीटर तक है। ये एक बार में 24 टारगेट्स को चिन्हित कर सकता है और इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में 6 से 12 टारगेट्स पर हमला कर सकता है। सैयद एयर डिफेंस सिस्टम के बाद ईरान के पास टोर M1 एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक बार में 48 टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इसकी चिन्हित करने की रेंज 25 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ये 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट के साथ भिड़ सकता है। इसके अलावा ये 12 किलोमीटर के दायरे में टारगेट्स पर हमला कर सकता है। ईरान के टोर एयर डिफेंस सिस्टम के बाद नंबर आता है पंसीर S1 एयर डिफेंस का। तो आपको बता दें कि ये जमीन से हवा में वार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 12x20 तक का उच्च विस्फोटक ले जा सकता है। इसमें 2 बैरल ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें भी लगाई हुई हैं। इसकी डिटेक्शन रेंज 75 किलोमीटर तक है। साथ ही ये 20 से 40 किलोमीटर की रेंज में टारगेट से लड़ सकता है। इसके अलावा ईरान के पास कुछ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जिन्हें उसने 2007 में रूस से $800 मिलियन की एक डील में खरीदा था। 195 किलोमीटर की दूरी पर ये कई विमानों और 50 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार इसकी मिसाइल की अधिकतम रेंज 150 किलोमीटर है और 133 से 143 किलोग्राम तक का ये वॉरहेड ले जा सकती है। S-300 मिसाइलों का इस्तेमाल विमान, ड्रोन और आने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में किया जाता है।